अगर हम अब तक की बात करें तो एडी टनल में फंसे हुए 12 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके अलावा 10 लोगों का शव वहां से बरामद किया गया। चमोली जिला कभी नहीं भूलेगा। रैनी गांव के पास ग्लेशियर फटा और तबाही की इबारत लिख गया। ऋषि गंगा बांध प्रोजेक्ट को बर्बाद करता हुआ ग्लेशियर ने धौली गंगा को उकसाया। मौत का सैलाब नदी किनारे बसे लोगों का पीछा करने लगा। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, कुछ बच पाए और कुछ मलबे में दब गए। बंजर इतना भयानक था कि जिसने भी सुना उसकी आवाज रुंध गई। पीएम मोदी से लेकर सीएम त्रिवेंद्र के माथे पर चिंता की लकीर खींच गई। सीएम रावत अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर रैनी गांव हालात का जायजा लेने पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की चुनावी रैली से उत्तराखंड के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। जो माँ गंगा का उद्गम स्थल है वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सब से निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां दो एक दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। स्थानीय प्रशासन से लेकर सुरक्षा बल के जवान राहत और बचाव में जुट गए। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने फर्ज को अदा करने में जी जान से जुट गए। ये तस्वीरें गवाह हैं जिन्हें देखकर एहसास होता है ये महज जवान नहीं, धरती पर देवदूत हैं जो सलाम के हकदार हैं। Go! Go! Go!